हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। बीएड और बीटीसी को लेकर क्या नई अपडेट आई है कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी किन लोगों के लिए है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपके सामने चीज़ों को मैं प्रेजेंट करूंगा। 27 नवंबर 2023 की क्या खबर है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और 1 to 5 में क्या बीएड सचमुच में शामिल हो गया है, और पूरे भारत या फिर किसी एक पर्टिकुलर राज्य की ये खबर है या पूरे भारत की ये खबर है, क्या पूरे भारत में भी ये लागू होने वाला है, और जो बिहार में एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सारे चीज़ों को हम लोग बिल्कुल अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ऑथेंटिक सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा, और आप खुद से इस खबर को वेरीफाई भी कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा। बाय द वे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने का सही वक्त है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है दबा दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी आपको दबा देना है, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है। तो चलिए सीधे खबर की ओर चलते हैं हम लोग। ये खबर आप यहां से देख सकते हो, बीएड के लाखों छात्रों को बड़ा झटका, अब वो नहीं बन पाएंगे प्राथमिक स्कूलों में 5वीं तक के टीचर। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। अब मैं आपको सीधे देखिए बिल्कुल फैक्ट वाली बात बताता हूँ, डेट की ओर आपको लेकर चलता हूं कि ये कौन से डेट की खबर है। तो यहां से देखोगे ये 14 अगस्त यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला को सुनाया गया था उसके बारे में मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, यानी कि अब जो है बीएड को जो है 1 to 5 के लिए नहीं रखा गया है। अब मैं आपको उस न्यूज आर्टिकल की ओर लेकर जाऊंगा जहां पे हाल में ही बीएड को जो है 1 to 5 में शामिल करने को लेकर जो है बातें कही गई है, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं। चलिए अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां से आप इस न्यूज आर्टिकल को देख सकते हो, हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका, बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत। अब ये क्या खबर है आप यहां से देख पाओगे, ये हाईकोर्ट की खबर है। यहां से आप देखिए यहां पे क्या बातें बताई गई है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जेबीटी पदों के लिए बीएड को शामिल करने का निर्णय दिया गया है। अब आप बोलोगे ये जेबीटी क्या है, हमने अभी तक जेबीटी के बारे में नहीं सुना है। तो देखिए हम लोग जेबीटी के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले जेबीटी जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको जेबीटी के बारे में जो है समझा देना चाहता हूं। देखिए जेबीटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए जेबीटी जो है 1 to 5 के लिए, यानी कि 1 to 5 जिन्होंने जो है पीआरटी को आप समझते हो, कहीं पे जूनियर प्राइमरी भी इसे कहा जाता है, वही यहां पे जो है जेबीटी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां से देखिए क्या बातें बताई गई है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी के मामले में स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीईआरटी द्वारा जो निर्धारित नियम है उनके साथ साथ कर्मचारी चयन आयोग पर भी ये लागू होगा। अब देखिए कोर्ट ने किन बातों को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया है कि 28 जून 2018 की जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उसी के अनुसार जेबीटी के पदों को भरा जाएगा। अब आप बोलोगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, हाई कोर्ट तो उससे छोटा होता है। बिल्कुल सही बात, आप अपनी जगह पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो, लेकिन मामला क्या फंसा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य से जुड़े हुए एक मामले में एनसीईआरटी की उस अधिसूचना को रद्द करते हुए कहा कि बीएड धारकों को जेबीटी के लिए जो है पात्र बनाया गया था। कोर्ट द्वारा अपने फैसले में कोई भी त्रुटि ना पाते हुए जो याचिका दायर की गई थी उसे जो है हटा दिया गया है। अब देखिए बात क्या हुई ना, मैं आपको अब बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं, ये तो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज हो गई। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है बीएड वाले को 1 to 5 के लिए जो है नहीं एलिजिबल माना गया था। ये बात तो सही है, बीएड यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, सिर्फ बीटीसी वाले या फिर अब जो है से डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ये बातें कही गई थी। लेकिन अब यहाँ से देखिए ये जो है मैं आपको पंजाब केसरी की ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ, मैं आपको डेट भी दिखा दूंगा। आप यहाँ से देखो ये जो है, अगर आप ये टाइप करोगे ना गूगल पे, हाईकोर्ट ने खारिज की विचार याचिका, बीएड डिग्री धारकों को राहत, यानी कि जेबीटी पोस्ट के लिए जो है इनको एलिजिबल करार दिया गया है। किसको, तो यहां से आप जो है जाकर देख सकते हो, पंजाब केसरी की ये न्यूज है। इन्होंने कह दिया कि आपको जो है 6 महीने का जो अतिरिक्त ब्रिज कोर्स है वो करना होगा। अब मैं आपको बताऊं केबीएस में जिन लोगों ने जॉब ले ली है या फिर DSSSB में जिन्होंने जॉब ले ली है पहले, या किसी भी राज्य सरकार की ओर से जो है 1 to 5 में बीएड वाले को जो शामिल किया गया है, किसी भी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, किसी ने जो है ब्रिज क्रॉस जो कोर्स है उसे कराने की जो हम जो है अभी तक जो है नहीं उठाई है जिम्मेदारी, किसी ने जो है
ब्रिज कोर्स को नहीं कराया। तो ऐसे स्थिति में देखिए क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग आ रहा है, हाई कोर्ट का फैसला अलग आ रहा है, और ये हाई कोर्ट का फैसला हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। यहां से आप देख पाओगे, ये देखिए हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां की ये खबर थी, मैंने आपके साथ साझा कर दी है। उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष तौर से मैंने आपको सारी बातें बताई। हो सकता है कि एक बार फिर से जो है इस पे एक्चुअली प्रशांत भूषण जो कि बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी इस मामले को जो है बड़े बेंच में ले जाना चाहते हैं। तो अभी भी वो बोलते हैं ना कि आग जो है थोड़ी बहुत जल ही रही है बीएड वाले के सीने में, कि शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, आपकी अपनी अपनी राय हो सकती है। बाय द वे, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा किन लोगों ने बीएड करा है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और किन लोगों ने जो है डीएलएड करा है, नीचे कमेंट करके आपको बताना है। बीएड वाले कैंडिडेट बीएड लिखेंगे, और जिनका बीटीसी है वो नीचे बीटीसी या डीएलएड जो भी आपका है वो नीचे लिखेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।